बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। पुर्तगाल का वर्ल्ड यूथ फोरम 2024 का जो इवेंट था उसके हवाले से हमने आपको डिटेल दी थी एक प्रीवियस वीडियो में। यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिसमें पोलैंड है, हंगरी है, लिथुएनिया है, इसके अलावा लग्जमबर्ग वगैरह, तो ये इवेंट्स अपने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इवेंट्स मीन्स इन इवेंट्स में आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, आपकी सिलेक्शन पर फिर ये आपको इन्वाइट करेंगे, जिस इन्विटेशन की बेस पर आप फिर उस इवेंट में पार्टिसिपेट करके अपने लिए पोजीशन को जो है वो सिक्योर कर पाएंगे। जो भी आपकी पोजीशंस हैं मैं बता देता हूँ किन किन कैटेगरीज़ में जॉब्स अवेलेबल हैं, आप उन कैटेगरीज़ में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं आप, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक ही वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर आपको काफ़ी कंट्रीज़ के जो इवेंट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर वर्क इन लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग का एक इवेंट है, इवेंट के बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। कंट्री लग्जमबर्ग है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये इवेंट चलेगा 27 अगस्त को। आज 21 अगस्त है तो 27 अगस्त 2024 को ये इवेंट चलेगा, ठीक है। इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, 13 एम्प्लॉयर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स 13, 13 एम्प्लॉयर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस इवेंट में, और ऑनलाइन ये आप इवेंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो कैटेगरीज हैं जिसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन कैटेगरीज में, तो फिर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है लग्जमबर्ग में। होटल मैनेजर है, क्लीनर है, ग्रीटर है, फ्रंट डेस्क मैनेजर है, हाउसकीपर है, वेटर है, किचन हेल्पर है, और भी बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जो आपको इजीली जिसमें आप अप्रोच कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी से स्पेशली रिलेटेड है। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस मैं अभी बता देता हूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट इवेंट ये भी लग्जमबर्ग के अंदर ही हो रहा है, इसमें डिटेल सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक, फिर 3 बजे से लेके 8 रात 8 बजे तक ये इवेंट चलेगा लग्जमबर्ग में। 7 एम्प्लॉयर्स इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं अभी बता देता हूँ। जो कैटेगरीज है जिनमें आप इंटरेस्ट दिखा सकते हैं वो ये सारी लिखी हुई हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। पोलैंड के अंदर भी ये हो रहा है इवेंट, एक इवेंट हो रहा है ये सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। 17 एम्प्लॉयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑनलाइन इवेंट होगा। 7 सितंबर को ये इवेंट होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। जब इवेंट होगा उसमें आपकी सिलेक्शन करके जिस दिन इवेंट होगा उस दिन आपको ये ईमेल कर देंगे, जिनकी सिलेक्शन होगी उस दिन जो इवेंट वाला दिन होगा। जैसे ये दिन है जी 7 सितंबर को, यानी 7 सितंबर को ये सुबह दस बजे से शाम 4 बजे तक इवेंट होगा। जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू उनको ये इनवाइट करेंगे, और फिर सब सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वो इस इवेंट को ज्वाइन करेंगे और अपने लिए ये पोजीशन को सिक्योर करेंगे, मतलब एक इंटरव्यू बेस्ड होगा। ये भी पोलैंड के अंदर ही हो रहा है। तो इस तरह काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनके यहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं फिलहाल, पोलैंड और लग्जमबर्ग का यहाँ पर शो करवा रहा है, ये अपडेट होते रहते हैं यहाँ पर। जॉब की कैटेगरीज में मैंने बता दी हैं इसका। अब रजिस्ट्रेशन करने का या इसमें पार्टिसिपेट करने का तरीकाकार ये है कि आपने ये जो कैटेगरी साइड पर लिखी हुई है जिस इवेंट में भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, कैटेगरीज यहाँ पर देख लेनी है। वो कैटेगरीज से रिलेटेड एक सीवी और कवर लेटर बना लेना जो कि यूरोपियन फॉर्मेट में होना चाहिए। या आगे ये पूछेगा भी आपसे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये आपसे पूछेगा भी कि आपका यूरोपास फॉर्मेट में सीवी कवर लेटर है, उसके अंदर ये कैटेगरीज प्रॉपर एक्सप्लेन होनी चाहिए, क्योंकि सीवी कवर लेटर की बेस पे ही आपकी सिलेक्शन होनी है। तो सीवी कवर लेटर आपका ज़्यादा अफेक्टिव होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए, और उसको देखते ही आपकी सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएँ। इनमें से जिस इवेंट में भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मैं तो ये कहूँगा सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। रजिस्ट्रेशन के लिए आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेना है, जिस इवेंट में भी करना चाह रहे हैं। एक फॉर्म आ जाएगा, नाम आपका, आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे के ईमेल एड्रेस देना है। यहाँ पर आपको ये पूछ रहे जी इस इवेंट के बारे में आपको कहाँ से पता चला, तो आपने सोशल मीडिया के ऊपर क्लिक कर देना है। इवेंट पार्टिसिपेशन, किस डेट्स में आप पार्टिसिपेट, किस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें भी आपने अभी रजिस्ट्रेशन पर मैंने क्लिक किया। फॉर एग्जांपल मैंने वर्क इन लग्जमबर्ग के वाले इवेंट 27 अगस्त को जो होगा उसमें पार्टिसिपेट किया, तो मैं यहाँ पर इस पर टिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान आ रहा है तो ऑब्वियसली ये फिर पाकिस्तानियों के लिए भी है, बहुत सारे लोग कहते पाकिस्तान के लिए नहीं है। सिटीजनशिप में भी पाकिस्तान लिख देते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आपकी इंग्लिश हैं, आपको जो जो लैंग्वेजेस इनमें से आती हैं वो सिलेक्ट कर लेनी है आपने। उसके बाद नीचे आप एज अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, आपकी एज क्या है, एजुकेशनल लेवल अपना सिलेक्ट कर लेंगे, हाई स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, मतलब मैट्रिक अगर आपकी है तो वो भी आप तभी भी एलिजिबल हैं। वर्क एक्सपीरियंस आपका कितना है वो यहाँ पे लिख देना है। स्किल्स आपके अंदर कौन कौन सी है थोड़ी सी मॉडिफाई यहाँ पर कर देनी है आपने। ऑनलाइन पर ये ऑप्शनल है, इसको आप लिंक्डइन की वगैरह की प्रोफाइल अगर आपकी बनी हुई है शेयर कर दें, यहाँ पर नहीं है तो आप उसको स्किप कर दें। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आर यू लीगली अलाउड टू वर्क इन यूरोप, यानी आपके पास कोई लीगली कोई डॉक्यूमेंट है यूरोप में, आप ऑथराइज्ड हैं यहाँ पे, तो आप क्योंकि आप पाकिस्तान से अप्लाई करें तो नो पे क्लिक कर देना।
डू यू नीड अ वर्क परमिट, क्या आपको वर्क परमिट की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली आप पाकिस्तान से, आपको वर्क परमिट मिलेगा तो आप जाएंगे वहाँ पे, तो आपको येस yes, ज़रूरत है, आपने येस yes पे क्लिक कर देना है। जो अवेलेबिलिटी है इसमें एनी टाइम आपने कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन अपना सेलेक्ट कर लेना जो CV में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेटर है, साथ अपना किचन हेल्पर है। इस तरह आप ऑक्यूपेशन जो CV में ऐड किया वो यहाँ पे ऐड कर देना है। इज़ योर यूरोपास CV रेडी, तो येस पे क्लिक कर दे अगर आपकी CV रेडी है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था यूरोपास फॉर्मेट होना चाहिए, तो येस पे आपने क्लिक कर देना है, टर्म्स कंडीशन ओके करके सबमिट कर देना है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन इसमें हो जाएगी। उसके बाद जब आपकी सिलेक्शन होगी, जब इवेंट होगा जिस जिसकी बंदे की सिलेक्शन होगी आपकी रजिस्ट्रेशन के तहत, तो तब ये आपसे ईमेल पे आपकी CV मांग लेंगे, CV को ये रिव्यू करके फिर आपको ओके कर देंगे, आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। फिर उसमें आपको ये फर्दर प्रोसेस बताएंगे, वर्क परमिट आपको देंगे, फिर वर्क परमिट की बेस पे आप पाकिस्तान से वीज़ा अपना अप्लाई करेंगे। कोशिश करें जितने भी मैक्सिमम यहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं, इन सभी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। अगर आपको इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने की समझ नहीं आ रही, आप चाहते हैं हम आपकी हेल्प करें, हम आपके लिए रजिस्ट्रेशन करें, CV कवर लेटर आपका बनाएं, इवन के जब आपकी सिलेक्शन हो जाए आपको वर्क परमिट मिल जाए, फिर एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेके आपका वीज़ा, वर्क वीज़ा भी प्रोसीड करवाएं, तो ये सारा प्रोसेस आप हमारे ज़रिए करवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, ऑफिस भी हमारा विजिट कर सकते हैं, ऑफिस की लोकेशन स्क्रीन पे चल रही है, तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके ये सारा प्रोसेस हमारे ज़रिए भी करवा सकते हैं। माइनर से चार्जेस लेके रजिस्ट्रेशन करने, CV कवर लेटर बनाने से लेकर रजिस्ट्रेशन करने से और फिर आगे वर्क वीज़ा प्रोसीड करने तक सारी आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर आपको जॉब्स भी देखने को मिल जाएंगी, फॉरेन जॉब्स, इवेंट्स भी देखने को मिल जाएंगी। इवेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी इवेंट्स आ जाएंगे, जो जो हो रहे हैं उनमें आपने रजिस्ट्रेशन अपनी कर लेनी है, ठीक है जी। ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, माल्टा में भी हो रहे हैं, पोलैंड में भी हो रहे हैं, हंगरी में भी है, लक्जमबर्ग में भी है, तो जो जो यहाँ पे आपको दिखे कोशिश करें सभी में पार्टिसिपेट कर लें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, जो पोजीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं सिर्फ उन्हीं पोजीशंस के अकॉर्डिंगली CV कवर लेटर बनाना है और देन उसको सबमिट करना है, ठीक है जी। इसमें वेटर, किचन हेल्पर, क्लीनर, शेफ, सारी कैटेगरीज अप्रॉक्सीमेटली जो भी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड होती है ना, वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बात याद रखिएगा, किसी किस्म की कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को TCS ना करवाएं, अपनी कोई पेमेंट वगैरह किसी को ना करें, इन इवेंट से रिलेटेड जो भी अगर कोई आपसे पेमेंट मांगे, कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी, कोई एम्प्लॉयर या इवेंट ऑर्गेनाइजर जो है, तो किसी किस्म की कोई पेमेंट करने से पहले आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लें, हमसे वेरिफिकेशन करवा लें। अगर हम कहें कि हाँ जी भाई ये ओरिजिनल है फिर पेमेंट कर लें, मतलब ये आपके अप टू यू है, सोच समझ के पेमेंट वगैरह या जो डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल देना है इवेंट वालों को, तो वो आपने खुद सोच समझ के देना है। इवेंट्स अब मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज और कैनेडा वगैरह इसलिए इवेंट्स को ज़्यादातर जो है प्रायोरिटी दे रहे हैं, ज़्यादातर इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जैसे पुर्तगाल में वर्ल्ड यूथ फोरम हुए, इसी तरह ये भी हो रहे हैं, ताकि लोगों को मैक्सिमम बुला के लेबर शॉर्टेज भी पूरी की जा सके और लीगली लोगों को बुलाया जा सके। मेरा ये सारा प्रोसीजर आप समझ गए हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी कोई हेल्प चाहिए इस इवेंट से रिलेटेड, आपने CV कवर लेटर बनवाना है यूरोपियन फॉर्मेट में, एक्सप्लेन फॉर्मेट में, अट्रैक्टिव जो हो, या रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो ये आप हमारे ज़रिए करवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है और आपको जो है वो एड्रेस भी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपने कुछ नया सीखा है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा है एवरी विजिट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना, बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।